स्ट्रीट ट्रैक है ये। बहुत पुराना पेड़ लग रहा है, हाँ जी बड़ा पेड़ है। अगले महीने से सर चल पड़े, क्योंकि अभी थोड़ी ठंड ज़्यादा है सर, ठंड की वजह से थोड़ा। ये जो जालियाँ आप देख रहे हैं, ये जो सामने अभी आपको दिख रही होंगी, ये जूम किया है मैंने, तो ये सेब के पेड़ों पे प्रोटेक्शन के लिए, ओलों से और बारिश स्नो से उनको लगाया जाता है ताकि फसल ख़राब ना होए, खासकर ओलों के लिए। और ये इसके ऊपर ही अगर आप देखें तो हमें ग्रेट हिमालयन रेंज का व्यू मिल रहा है। ये हमेशा ही स्नो से कवर्ड रहते हैं कुछ ना कुछ, बट काफ़ी हाइट में है और काफ़ी दूर है, यहाँ से दिखते थोड़ा पास में है बट काफ़ी डिस्टेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या नाम मिले थे यहाँ पे भी काफ़ी सारे हेल्दी कुत्ते इनके साथ होते हैं हमेशा, मतलब सिलिंग का परिवार है। हाँ नीचे क्या पेड़ है? खरू के पेड़ है सर ये वाले। अच्छा नो सर, फल तो नहीं सर, बस ऐसे ही होते सर। घास घास वास? हाँ जी। और ये फूल किस चीज के? कोई फल वल लगेगा इस पे? नहीं नहीं सर, फल तो नहीं लगेगा, ऐसे ही है सर, फूल है सर। अच्छा सर, यहाँ पे ये कई है सर, जंगल है। अच्छा बाकी तो सर कुछ नहीं, ये मतलब जैसे सर वो भेड़ बकरियाँ होती सर उनके लिए होता सर ज्यादा। अच्छा हाँ जी सर। नहीं नहीं सर, ऊपर से काट के डालना पड़ता सर उनके लिए, थोड़ी टाइम में सर।
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੋਂ